नमस्कार खुशी जी, कैसे नमस्कार, कैसे हैं आप? हैं खुशी जी? मैं बढ़िया हूँ, मैं खुश हूँ। आप ठीक हैं? बहुत मैं बहुत खुश हूँ। तो बढ़िया। खुशी जी, मैं मेरा एक सवाल था ध्यान हाँ जी, को लेकर ही। हाँ जी, जब हम ध्यान करते हैं, जब मैं ध्यान करता हूँ और काफी से ध्यान करने के बाद मुझे नींद नहीं आती है, तो नींद की समस्या मुझे तब से हो रही है जब से मैं ध्यान कर रहा हूँ। क्या ये मेरे साथ ही हो रहा है या बाकी जनरली लोगों के साथ होता है? देखिए, दो चीजें होती हैं ध्यान करने से। एक होता है कि नींद का कम हो जाना। नींद का कम हो जाना का मतलब कि आप पहले 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सो पाते थे, और अब आपकी 5 घंटे में, 3 घंटे में, कभी 4 घंटे में नींद खुल जाती है ना। वो नींद का कम हो जाना जो होता है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो आप कम देर में गहरी नींद लेते हो और नींद आपकी जल्दी पूरी हो जाती है। जी ठीक है, तो नींद का कम हो जाना समस्या नहीं है। जी नहीं लेकिन अगर आपकी नींद उड़ जाए, आपको नींद आना बंद हो जाए, तो वो समस्या है, और ये समस्या भी ध्यान करने वालों को आती है। कुछ कुछ ध्यान जैसे होते हैं, जैसे नाद भ्रम को सुनना, जो मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि नाद भ्रम को सुनना अगर आप शुरू करेंगे तो सुनते सुनते जी सुनते जी सुनते मेरे साथ जो हुआ था, मेरी नींद मुझे नींद आना बंद हो गया था। अच्छा ठीक है, फिर कुछ ध्यान होते हैं जैसे विपस्सना। विपस्सना अगर आप पूरे दिन कर रहे हो, है जी ना, पूरे दिन आप अपनी सांसों पे आप लगातार ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसे में आप जब सोने जाते हो तो भी आपकी जो ध्यान है वो सांसों पे चलता रहता है, चलता रहता है। आप इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हो कि फिर आपको नींद आना बंद हो जाता है। ये भी मेरे साथ हुआ हुआ है। तो जो चीजें मेरे साथ हुई है उस बारे में मुझे एक्सपीरियंस है। कुछ और भी ध्यान हो सकते हैं कि लगातार कोशिश करते रहने से आपको नींद आना कम हो जाए, ठीक है, अच्छा या कम हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, नींद आना बंद हो जी जाए, ना आए तो समस्या है। और इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे को ऐसा लगता है कि अब मुझे नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो मैं कुछ दिन के लिए ब्रेक लेती हूँ, जिसमें कोई समस्या नहीं है। आप ब्रेक लेना चाहिए ध्यान में। कभी कभी मेरे साथ ये भी होता है कि ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि नहीं संभाली जाती अच्छा है अच्छा ना, तो वैसे में भी मैं ब्रेक लेती हूँ। और जब ऐसी कोई समस्या आने लगती है कि नहीं मुझे नींद नहीं ठीक से आ रही है, या फिर किसी तरह का एनर्जी, जब कभी चोट ज्यादा करने लगती है कहीं पर, तो दर्द भी होता है, तो दर्द हो जी रहा है, तो कुछ दिन का ब्रेक ले लिया। जी शुरुआत में जो दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, वो दर्द प्रॉब्लम नहीं है, वो दर्द धीरे धीरे करते करते ठीक हो जाता है। लेकिन कोई दर्द, मैं जिस तरह दर्द की बात कर रही हूँ, वो थोड़ा लंबे टाइम तक आप ध्यान करते रहो, तब आप, जब आपकी ऊर्जा उठने लगती है, तब कहीं कहीं दर्द शुरू हो जाता है, कभी कभी, है ना। और वो दर्द फिजिकल नहीं होता, आपको शरीर में दर्द नहीं जी होता है, वो कुछ और दर्द होता है, मैं जिसकी बात कर रही अच्छा हूँ। तो खैर, हम टॉपिक से भटक रहे हैं, नींद की बात कर रहे हैं। अगर आपकी नींद बंद हो जाए आना, जी तो हम क्या करते हैं कि कुछ दिन का ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक में हम क्या करते हैं, हम किसी तरह का ध्यान नहीं करते हैं, कहीं पर ध्यान नहीं लगाते हैं, और फिजिकल वर्क को थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, अपना टहलना करेंगे, दोनों सुबह शाम टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, घर में या ऑफिस में जो भी काम है, फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क कम कीजिए और फिजिकल वर्क थोड़ा ज्यादा कीजिए, और फिर जी रात में सोने की कोशिश कीजिए। और आदत डालिए कि नहीं आपको सोना है, कहीं पे कुछ ध्यान नहीं देना, आपको सोना है। क्योंकि नींद जाना बहुत बड़ा, पहले मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नींद चली जाएगी, लेकिन नींद जब नहीं आप पूरी लेते हो ना, तो आपके हेल्थ को बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए नुकसान नींद, होता है। हाँ, नींद बहुत जरूरी है। नींद आपको कम आए कोई बात नहीं, लेकिन नींद आई, गहरी आई, पूरी होगी कोई बात नहीं, लेकिन नींद ना आ रही है, बिल्कुल भी आप नहीं सो रहे हो, वो समस्या है। उस समस्या में आपको नहीं पड़ना चाहिए, निकलना चाहिए, तो वैसे में आप ब्रेक ले लीजिए। जी, कुछ बोल रहे थे आप? हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? अब आ रही है। मैं अच्छा, ही कह रहा, मतलब नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है ध्यान हाँ, नींद की, करते रहते हैं, हाँ, नींद की ये चीज क्वालिटी है। अच्छी होती है। दोनों चीजें होती हैं, जो मैंने दूसरी भी बात बताई, कभी कभी नींद उड़ भी जाती है,
तो नींद अगर उड़ जा रही है तो आपको ब्रेक लेना है। नींद उड़ गई है उसी बारे में मैं बात कर रहा था। लेकिन आपने जैसे बताया कि हम ब्रेक कितने टाइम का ब्रेक लें, आप 15 डेज का ब्रेक लीजिए। इस 15 डेज में आप खूब शारीरिक श्रम को बढ़ा दीजिए। अगर आपके पास शारीरिक श्रम का काम नहीं है तब आप एक्सरसाइज को टाइम दीजिए, टहलने को टाइम दीजिए, और दिन में मत सोइए, है ना, रात में सोने की कोशिश कीजिए, दिन में बिल्कुल मत सोइए, नींद भी आए तो नहीं सोइए, और पूरे दिन काम कीजिए, रात में सोइए, अच्छे से नींद आना शुरू हो जाएगी। कुछ दिन बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाए तो आप जो पहले मेडिटेशन कर रहे थे वो मेडिटेशन दोबारा शुरू नहीं करनी है, दूसरी मेडिटेशन ट्राई करनी है, है ना। सबको सारी मेडिटेशन सूट नहीं करती है, आपकी नींद उड़ जाने का मतलब वो मेडिटेशन आपको सूट नहीं कर रही है। सूट नहीं कर रहा। धन्यवाद।